हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीफंगल क्रीम का रिव्यू करने जा रहा हूं। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो लूली जी क्रीम से मार्केट में उपलब्ध होता है। ग्लेनमार फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें लूलीकोनाजोल 1% बायोवेट की मात्रा में उपलब्ध होता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 10 ग्राम की एक ट्यूब मार्केट में 161 रुपीज़ की उपलब्ध होती है। बात करते हैं सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, लूलीकैन क्रीम जिसे ग्लेनमार फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लूलीबेट क्रीम जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लूलीफिन क्रीम जिसे सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लूलीबर्ट क्रीम जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और लूलीफिन क्रीम जिसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ अवेलेबल ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं और सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँ तो इस क्रीम का उपयोग फंगल स्किन इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए किया जाता है। इस क्रीम के अगर साइड इफेक्ट की बात करूं तो जनरली इसके साइड इफेक्ट तो कम होते हैं, परंतु एप्लीकेशन साइड रिएक्शन जैसे बर्निंग का होना, इरिटेशन का होना, इचिंग और रेडनेस इत्यादि का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? यह एक एक्सटर्नल यूज करने की क्रीम है। इसे डॉक्टर के द्वारा डोज और ड्यूरेशन के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए, इसके डायरेक्शन को पढ़ना चाहिए। आपको जिस स्थान पर इस मेडिसिन को अप्लाई करना है उस स्थान को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद ड्राई करना चाहिए। इसके बाद ही इस क्रीम को आपको अप्लाई करना चाहिए। यूज के बाद आपको हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, परंतु अगर आपके हाथ में फंगल इन्फेक्शन है तो आपको इसे लगा रहने देना चाहिए। यह मेडिसिन कैसे कार्य करती है? यह क्रीम एक एंटीफंगल क्रीम है और जो फंगस के माइसीलियम होते हैं उन्हें की जो बाहर की लेयर होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है और इस प्रकार आप डिस्कम्फर्ट से रिलीफ महसूस करते हैं। इचिंग, इरिटेशन वगैरह जो होता है आपको कम होने लगता है। जो उसकी फंगस होती है उसकी सेल वाल को ख़राब कर देने के कारण फंगस जीवित नहीं बचता है और आप अल्टीमेटली आराम महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो इस मेडिसिन को लगाने के बाद एल्कोहल के साथ इसके इंटरेक्शन की ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी यह मेडिसिन सेफ है, परंतु आपको सावधानी रखना चाहिए। किडनी और लीवर रोग से जुड़े किसी भी प्रकार के अगर आप समस्या का सामना कर रहे होंगे तो अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। ये सारी जानकारी जो है आपके सामने मैंने जो प्रस्तुत किया है ये केवल आपका विवरण, केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी तरह से यह वीडियो किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से उचित परामर्श करने के पश्चात ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपके कुछ सुझाव या कमेंट्स हैं तो उन्हें ज़रूर लिखें, मुझे उसका एक्सक्लूज करके ज़रूर खुशी होगी। अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ आप तक फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।